एंड वेलकम टू आवर चैनल. ओके, आई एम सोनिया मैम. और हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? एयर. एयर के बारे में हमने पूरा डिटेल लिया था. ठीक है, तो स्मॉल रिवीजन ऑफ दैट क्लास. तो फिर आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद, पर पहले छोटा सा क्या ले रहे हैं, रिविजन. ओके, जैसे हमने पढ़ा था एयर में, एयर के कंपोनेंट्स पढ़े थे. एयर जो है क्या था, एटमॉस्फेयर की एक थिक लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर होता है. और एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ. विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट सर्वाइव. ओके, तो एयर के जो ये एटमॉस्फेयर के जो फाइव लेयर्स थी वो एक थी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. ठीक है, उसके बाद हमने एयर के लिए क्या पढ़ा था कि उसका जो 78% है किसका, एयर का, किससे कवर है, नाइट्रोजन से, और 21% बाकी गैसेस उसको कवर करती हैं. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस के बारे में. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, कि एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है. जैसे कि एयर है ऑर्डरलेस, एयर है कलरलेस, है ना. एयर स्पेस लेती है, किसी भी कवर, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एज्यूम करते हैं, जैसे हम सिरिंज लिए, सिरिंज के अंदर जब हम नीचे करते हैं सिरिंज को, तो वो एयर जो है वो अपनी स्पेस को कवर कर लेती है. ठीक है, और एयर के पास ऑर्डर नहीं है, एयर हैज़ नो ऑर्डर, एयर हैज़ नो टेस्ट. तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर. सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा नया टॉपिक है वाटर. देखो, जैसे वाटर, तो वाटर के बारे में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विद ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. वाटर पी के ही दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको मैं. एज वी नो कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको पता है कि एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सेम वैसे ही वाटर के बिना भी हमारी कोई लाइफ नहीं है. वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं, जिससे एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, जिससे प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं. तो जो वाटर है ना, वो हमारे अर्थ में किस किस फॉर्म में है प्रेजेंट, ओशियंस, सी, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड मैनी मोर. तो सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज ऑलवेज रेन. रेन जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन सोर्स है जहाँ से हमको बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है. ठीक है, किसी किसी जगह में हमारे जो अर्थ सरफेस हमारी, वहाँ पे कहीं कम रेनफॉल होता है, कहीं ज़्यादा रेनफॉल होता है, कहीं पानी की ज़्यादा स्कैर्सिटी होती है, कहीं पानी एबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है. तो पानी हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व है. ठीक है, फैक्टर है जिससे हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि पानी, पहली बात तो पानी के फॉर्म्स भी बहुत होते हैं. अगर हमको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, अगर हमको अच्छे से अपनी बॉडी की हेल्थ को अच्छा रखना है, तो हमेशा आप कोशिश करिए कि पानी पीना, जो हम पानी पीते हैं, जैसे कि हमने पानी पिया, बट नेचुरल है, हम पानी जाके तालाब से तो ला के पी नहीं सकते. ठीक है, अब तालाब का पानी पियेंगे, जो लेक में पानी बह रहा है, जो पॉन्ड में पानी है, क्या वो पी सकते हैं हम? तो जैसे पीने का पानी, हम पानी पीते हैं, वो पानी कैसा होना चाहिए? लेक का तो पानी नहीं पी सकते हैं, रेन वाटर भी नहीं पी सकते हैं. द वाटर शुड वेरी प्यूरिफाइड. जब हम पीते हैं तो वाटर प्यूरिफाई होना चाहिए. जैसे कि ये देखिए पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ वाटर. ठीक है, पानी एक खूबसूरत चीज़ है जो हमें भगवान से द्वारा मिली गई है. पानी के बिना जो है ना, हम अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते. तो पीने के अलावा और किस किस चीज़ के लिए पानी का यूज़ होता है? वाटर इज़ यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, है ना, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो बिना पानी के आप और मैं या कोई भी इस जीवन को सोच ही नहीं सकता है. ठीक है, तो ये पानी है, पानी का जो रूप है बहुत सुंदर है. ठीक है, लेकिन अगर हम अब हम आते हैं प्योरिटी ऑफ वाटर. ठीक है, पानी को प्योर करने के लिए इम्प्यूरिटीज़ जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. माइंड मार्क माई वर्ड्स, टू टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं. एक इम्प्योरिटी होती है, सिंपल वे में बता रही हूँ आपको, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जो पानी के अंदर ही होती हैं, जिसको हम ना देख सकते हैं ना हम उसको अलग कर सकते हैं, बट क्या होता है ना, उसकी प्रोसेस होती है. किसी भी इम्प्योरिटीज़ को अगर आपको पानी से अलग करना है,
तो आपके पास बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, अब उन प्रोसेस को हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज जो होती हैं उसको अगर हमको वाटर से अलग करना है, ठीक है, उसको अलग करना है हमको, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस तो नहीं होते हैं, बट हाँ मेजर क्या होते हैं, दो प्रोसेस होती है। एक तो होती है सिंपल इवापोरेशन, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट प्राइमरी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, क्लास 2, 1, 3 में भी, कि इवापोरेशन इज विच प्रोसेस। जब हम पानी को बहुत बड़ी मात्रा में या छोटी मात्रा में, अगर आपने उसको एक बर्निंग फ्लेम के नीचे रखा किसी कंटेनर के अंदर पानी को, और वो पानी आप मान लीजिए इम्प्योर है, पीने लायक नहीं है, तब हम क्या सो करते हैं, उसको पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। पानी जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद जब वो भाप का रूप लेता है, ठीक है, तो उस भाप में क्या होती है, वो इम्प्यूरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तब वो पानी ठंडा होने के बाद आप उसको पीने के यूज़ में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक प्रोसेस इवापोरेशन की। अब एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसमें हम प्यूरिटीज़ को और इम्प्यूरिटीज़ को अलग करके वाटर को क्या बनाते हैं, प्योर बनाते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक कंटेनर है, फ्लास्क है ये, ठीक है। फ्लास्क में इम्प्योर मिक्सचर अब हम डाल रहे हैं, डालते 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 वाटर क्या हो रहा है, गर्म वाटर बाहर आ रहा है, निकल रहा है। अब ये जो है फ्लेम जल रही है, इम्प्योर मिक्सचर हो रहा है, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोला जाता है, जिसमें कि वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकलता है और हमारा जो कोल्ड वाटर होता है वो अंदर जाता है। ये जो हमारा वाटर होता है ये होता है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब आपको हमने दो प्रोसेस समझाई, एक इवापोरेशन और एक डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस के थ्रू आप जो पानी के अंदर घुली हुई मिक्स्ड रहती है, जो सॉल्यूबल रहती है इम्प्योरिटीज़ को, हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देन हम उस प्यूरिफाई वाटर को अपने पीने के पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पानी जो इनसॉल्यूबल होता है, जो पानी में घुलता नहीं है बट वो इम्प्योर पानी कहलाता है। जैसे कि हमने किसी पानी में मिट्टी डाल दी, रेती डाल दी, पत्थर डाल दिए, अब वो पानी क्या हुआ, वो तो इनसॉल्यूबल है ना, वो पानी में घुलेगी तो नहीं चीज़, वो सॉल्यूबल तो हो नहीं सकती पानी में। वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो इनसॉल्यूबल हैं वाटर के साथ, उसको अब अलग करने के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसको भी बहुत सारी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वाटर में इन्वॉल्व होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर थोड़ा रीड कर लेते हैं उसको, क्या वो लिखा है, द यूजुअल इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आर सैंड, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। इनसॉल्यूबल सस्पेंडेड मैटर कैन बी रिमूव्ड बाय अलाउइंग द वाटर टू स्टैंड एंड ड्रॉइंग ऑफ द क्लियर पोर्शन फ्रॉम द सेडिमेंट और बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर के अंदर, उसको हम किन प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन, सेकेंड है आपका फिल्ट्रेशन, और थर्ड है आपका डिकेंटेशन। सेडिमेंट और डिकेंटेशन क्या होता है, दोनों ही आपस में कनेक्टेड प्रोसेस है, और फिल्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। सेडिमेंटेशन जो होता है, सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर जो हम करते हैं, उसका आपको ये दिख रहा है, ये जो है ना एक पिक्चर, और एक जो पिक्चर डायग्राम बना हुआ है, इसके थ्रू हम आपको दोनों प्रोसेस बताते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। देखिए, पानी के अंदर जो एक हैवी ऑब्जेक्ट है जो कि पानी के बॉटम में जाके सेटल्ड हो गया है, ठीक है, उस ये जो पानी है इसमें एक इनसॉल्युबिलिटी है, जो इम्प्योर है वो पानी में बॉटम में जाके रुक गई है। अब हमको पानी को कैसे अलग करें उस इनसॉल्युबिलिटी से, तो ये जो प्रोसेस है सेडिमेंट है, जिसको हम एक ग्लास, ये ग्लास में है, फ्रेश कंटेनर में हम उसको पानी को क्या करें, पोर कर रहे हैं। हम उस सेडिमेंटेशन के थ्रू जो पानी है, जब इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो गई है, दूसरे वेजल में अगर हम उसको पोर कर रहे हैं, अब वो क्या आ रहा है, क्लियर वाटर आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, क्लियर वाटर आ रहा है, ये उसके अंदर नहीं जाएगा, ये वहाँ पे बॉटम में सेटल्ड हो गया है। ये जब इधर आके क्लीन वाटर हमको दिख रहा है, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब
ये वाली जो प्रोसेस है ये हम बहुत पहले करते थे, बहुत पहले, ठीक है। आजकल ये होता नहीं है, लेकिन तभी भी बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छी है, जिससे आप सब बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आए कि सेडिमेंटेशन से थ्रू डिकेंटेशन के थ्रू पानी को प्योर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे प्रोसेस में, जिसको क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन। ओके, आजकल हम देखते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम सबके घरों में, आपके घर में भी, मेरे घर में भी, सबके घरों में एक मशीन होती है, एक्वा गार्ड कहलाता है, प्योरीफाइड कहलाती है, प्योरेट कहलाता है। वो जो आपके पास कंटेनर आपके घर में रहता है, उसमें जो वाटर को फिल्टर करने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कहा जाता है, ठीक है। अब तो बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू वाटर को प्योरीफाई करा जाता है, बिकॉज आजकल हम जो देख रहे हैं जिस तरह से इम्प्योरिटीज़ बढ़ रही है, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इतनी सारी गैसेस हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं कि वाटर को प्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है। तो अब हम देख रहे थे फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन का जो सबसे सिंपल प्रोसेस है वो यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये एक वेजल है या एक कंटेनर बोल दीजिए आप, ये कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ओके। अब इसके ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर को अप्लाई किया है, इसके ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर रखा है, ठीक है। इस फिल्टर पेपर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बहुत रेतीला पानी है जो गंदा है बहुत, जिसमें बहुत सारी रेती, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, उस पानी को हम इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। डालने के बाद क्या हम देखते हैं, जो ये फिल्टर पेपर है ये एक किसका काम कर रहा है, सीव का, सीव मीन्स छन्नी, छन्नी का काम कर रहा है। इस छन्नी में, इस पेपर में सारा डस्ट पार्टिकल, सैंडी सैंड, ये सब यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। क्या करता है वो, उस सैंड को नीचे नहीं आने देता है, उस डस्ट पार्टिकल को आपको नीचे नहीं आने देता है, वो उसको वहीं पे होल्ड करके रख देता है। उसके बाद जो पानी यहाँ से नीचे जाता है, अब वो पानी क्या हुआ, क्लीन हो गया। क्लीन क्यों हुआ, क्योंकि सारा डस्ट पार्टिकल, सारा सैंड उसमें होल्ड हो गया, कलेक्ट हो गया वहाँ पे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हमको क्या मिलता है, पानी क्लीन हो जाता है और जो मड रहता है, क्ले रहता है, वॉट एवर डस्ट पार्टिकल्स कंटेन रहते हैं इसमें, वो वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फिल्ट्रेशन पढ़ा हमने, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन हमने ये पढ़ा, जिसके थ्रू हम पानी को क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। प्योरीफाई वाटर इज़ वेरी यूजफुल टू आवर हेल्दी लाइफ। अगर आपको हेल्थ को इफेक्ट नहीं करना है तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रिंक वेरी प्योर वाटर, ठीक है। अभी जिस तरह से हम कोविड से गुजर रहे थे पिछले 2 सालों में, तो उसके बाद तो और आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिए, और पानी जो आप पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसका ख़ास तौर से ख्याल रखिए कि वाटर शुड बी वेरी प्योर वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग, ओके। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था आपका वाटर के ऊपर। इसके पहले हमने एयर को भी कवर किया था, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, एयर एंड वाटर, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर की, एयर एंड वाटर चैप्टर की एक वर्कशीट, इन विच MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट, वो हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।